अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक टैबलेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है Lenovo Tab 4। और ये जो टैबलेट हमें प्रोवाइड किया है दोस्तों जेट मोबाइल वालों ने, उनका कार्ड यहां पर मैं शो कर दूंगा, उनका नंबर दिया हुआ है। काफी वैरायटी इनके पास अवेलेबल है ब्रांडेड टैबलेट्स की, बड़े बड़े ब्रांड सैमसंग, LG, सोनी वगैरह के जो टैबलेट है इनके पास अवेलेबल होते हैं, और काफी अच्छी कंडीशन में और रीजनेबल प्राइस के साथ जो है अवेलेबल होते हैं। ये जो टैबलेट है दोस्तों Lenovo Tab 4, ये 12,000 में सेल करते हैं। अगर आप हमारे रेफरेंस इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको इसमें भी डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपकी जो भी प्राइस रेंज है उस हिसाब से भी आप इनसे पूछ सकते हो कि आपकी प्राइस रेंज में कोई अच्छा टैबलेट, जो भी अच्छा ऑप्शन आपके उनके पास अवेलेबल होगा वो आपको बता देंगे, आप वो भी बाय कर सकते हो। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। इसके अलावा कोई नया फ़ोन आपने परचेज करना है वो भी इनके पास ब्रांड न्यू फोन्स भी अवेलेबल होते हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हो। अच्छा जी, Lenovo Tab 4 में आपको 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, और जो टच स्क्रीन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आज के वीडियो में दोस्तों देखेंगे Lenovo Tab 4 में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई हैं, यहाँ पर कौन सा चिपसेट लगाया गया, कैमरा की कैसी क्वालिटी आपको दी गई है, और स्पीकर्स की कैसी क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाएगा मेरा, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है Lenovo Tab 4। तो सबसे पहले हम फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ आपको माइक्रो एसबी पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए, 3.5 mm का जैक है। यहाँ पर स्पीकर आपको दोनों साइड पे मिल जाते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको दिए गए हैं, नीचे और ऊपर दो स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस साइड पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है, एसडी कार्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो, और नीचे एक माइक जो है दिया गया है। बैक साइड पे यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिल जाता है, 5 MP का रियर कैमरा है, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 MP का। ऊपर और नीचे आपको थोड़े बेजल्स हैवी किस्म के मिल जाते हैं, साइड पे भी हैं लेकिन थोड़े कम हैं, तो बेजल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले आपको दिया गया है, तो इसको मैं फुल ब्राइट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल रही है, आउटडोर में भी आपको इतना ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये जो टैबलेट है दोस्तों, ये वाईफाई वाला टैबलेट है, सिम को सपोर्ट नहीं करता और ना ही इसमें आपको सिम स्लॉट मिलती है। इसी के अंदर एक सिम वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेड टैबलेट है तो पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं, आप जो है पता कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको मैंने नंबर दिया है, आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये जो टैबलेट है इसके अंदर हमें सिम वाला अगर चाहिए हो तो क्या वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा की अगर बात करें तो कैमरा को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये इसका रियर कैमरा है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिसेंट आपको मिल रही है, यहाँ पर कलर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रहे हैं, तो रियर कैमरा से काफ़ी अच्छी इमेजेस आप ले सकते हो। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 2 MP का फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा की क्वालिटी थोड़ी लो है क्योंकि इसके रेजोल्यूशन कम है, लेकिन कॉल्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, आप जो है वीडियो कॉल वगैरह अगर आपको करनी है तो आप फ्रंट कैमरा का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो रियर कैमरा की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मुझे यहाँ पर लगी है। बिल्ड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और स्क्रैच लेस टैबलेट आपको मिलेगा, किसी किस्म का कोई स्क्रैच आपको यहाँ पर नहीं नज़र आएगा। अगर आप परचेज करते हो टैबलेट तो आपको भी बिल्कुल स्क्रैच लेस टैबलेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। यहाँ पर दोस्तों जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है इस टैबलेट के अंदर, वो सबसे पहली चीज़ तो है दोस्तों इसका टच, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच यहाँ पर आपको मिल जाता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस टैबलेट में वो है इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, मल्टीमीडिया वगैरह मूवीज़ वगैरह अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा आपको जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों Antutu की एप्लीकेशन में अगर आएँ तो इसका स्कोर देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं क्या CPU वगैरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 63,000 है, और इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को डिवाइस जो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10 मैक्सिमम 10 टचेस को एट अ टाइम जो है ये डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों माई डिवाइस में, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 7.1 जो है एंड्रॉयड का वर्जन मिल रहा है, लेकिन एक अपडेट आई हुई है उसके जरिए आप इस टैबलेट को एंड्रॉयड 8.1 पर अपग्रेड कर सकते हो। मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसको परचेज करोगे तो आप उसको अपग्रेड करके एंड्रॉयड 8.1 पर इस टैबलेट को यूज़ कर पाओगे। चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो स्नैपड्रैगन APQ8017 के यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है, Adreno 308 का यहाँ पर GPU लगाया गया है। ये जो चिपसेट है दोस्तों 28 नैनोमीटर वाला है और क्वाड कोर चिपसेट है, ऑक्टा कोर नहीं है।
इसके अलावा यहाँ पर LPDDR3 रैम लगाई गई है, 2GB टोटल है और अवेलेबल आपको 1GB मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज 16GB आपको मिलती है और अवेलेबल 8GB के करीब यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। यहाँ पर 60Hz वाला डिस्प्ले है 800x1280 रेजोल्यूशन के साथ, 8 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, 213 DPI और 160 DPI आपको यहाँ पर PPI आपको मिल जाते हैं। 5MP का रेयर कैमरा, 2MP का फ्रंट कैमरा है, 5000mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलती। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ साउंड चलाकर, कुछ जो है म्यूजिक चलाकर देखते हैं कि स्पीकर्स की क्वालिटी आपको कैसी यहाँ पर दी गई है लिनोवो टैब 4 में। ओके दोस्तों, यहाँ से म्यूजिक चला लेते हैं और वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको दिए गए हैं, दोनों साइड पे स्पीकर हैं और जो स्पीकर की प्लेसमेंट है दोस्तों वो देखें आप, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर प्लेसमेंट दी गई है। मेन से आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं इस तरह से आपने अगर प्लेस किया हुआ टैबलेट को, तो स्पीकर्स के ऊपर अगर आपके हाथ जो है वो नहीं आते हैं, जो साउंड है वो ब्लॉक नहीं होता है, आपको डायरेक्टली साउंड सुनाई देता है और अगर आप इस तरह से हाथ रखते हो तो मज़ीद आपको बेहतर साउंड क्वालिटी जो है मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छे स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो काफ़ी कमाल का साउंड आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त टैबलेट है और इस तरह के काफ़ी सारे मॉडल्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, इंपोर्टेड टैबलेट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटी इनके पास आ जाती है, लिनोवो के, सैमसंग के, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, LG है, सोनी है, इन तमाम के टैबलेट्स जो हैं इनके पास अवेलेबल होते हैं। आप इनसे कॉल करके जो है अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं कौन कौन से टैबलेट्स अवेलेबल हैं, अपनी रेंज के हिसाब से भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि हमारी ये प्राइस का रेंज है, इसमें हमें कौन सा बेस्ट टैबलेट जो है वो मिल सकता है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स जो है ले सकते हैं। ये जो टैबलेट है दोस्तों ये वैसे 12-12.5 हज़ार में जो है ये सेल कर रहे हैं लिनोवो टैब 4, लेकिन अगर आप हमारे रेफरेंस से जाते हो, हमारा रेफरेंस देते हो उनको, तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टैबलेट के बारे में और इस तरह के और इंपोर्टेड टैबलेट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।